हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडिविजन एकेडमी पर, जहां पर हम बच्चों मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। हम क्लास 10th चैप्टर 8 को डिस्कस कर रहे थे, जो था आपका ट्रिग्नोमेट्री। इसका ये लेक्चर 2 है, ठीक है, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कराएंगे। बच्चों इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लेक्चर 1 में अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देख चुके हैं, तो एक बार उसको ओवरव्यू करते हैं, जिससे आपका इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, कि अगर आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आप उसमें कोई भी एक थीटा लेट करते हो, तो जो आपके थीटा के सामने, जो आपके एंगल के सामने की साइड होगी, वो होगा आपका परपेंडिकुलर पी, जो उसकी एडजेसेंट साइड होगी साथ वाली, वो होगा आपका बेस बी, एंड 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होगी आपका हाइपोटेनस एच। ठीक है बच्चों, इन साइड्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है, जिसको डिनोट करने के लिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन। तो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा था, साइन को अगर आपको कभी भी किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो होता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस थीटा आपको होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा होता है आपका, ये आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, पी आपका परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, बी आपका बेस को डिनोट करता है, एंड एच आपका हाइपोटेनस को डिनोट करता है। तो चलिए हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी, कोई आपका ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी, जिसमें आपका राइट एंगल जो 90 डिग्री है वो बी पर है, ए बी इज 24, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए, आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, एंड सेकंड में साइन सी एंड कॉस सी निकालना है। तो बच्चों पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, बच्चे आपके ट्राइंगल हो जाएगा, जिसमें आपको बी पर आपका 90 डिग्री है, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ठीक है बच्चों, तो आपको जो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है, वो आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है आपको साइन ए। तो बच्चों जो ए है वो आपका एंगल ए है, इसका मतलब आपको एंगल ए के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो आपका एंगल होगा उसके सामने आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, जैसा आपको पता है। बच्चों इसमें हमें बीसी गिवन है 7 सेंटीमीटर, एबी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बट बच्चों हमको इसमें हाइपोटेनस गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस निकालने के लिए सारे के सारे राइट एंगल आपके पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसमें हाइपोटेनस फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों जिसमें हाइपोटेनस है वो है आपका एसी, तो आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप अभी किसी को भी मान सकते हो,
लेट ए बी, अगर आप एंगल सी के अकॉर्डिंग देखते हो, ए बी स्क्वायर प्लस बेस आपका बी सी स्क्वायर, ए सी बच्चों आपका ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आपकी 24 स्क्वायर प्लस बी सी आपका 7 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, 24 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो होगा आपका 49, दोनों को ऐड करोगे ठीक है बच्चों, ये आपका ए सी स्क्वायर आता है 625। यहाँ से आप ए सी फाइंड करोगे तो ये आपका रूट में जाएगा 625, एंड 625 का रूट होता है आपका 25 सेंटीमीटर ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो हाइपोटेन्यूस आएगा ये आएगा आपका 25 सेंटीमीटर बच्चों। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको कैलकुलेट करना है साइन ए। तो बच्चों आपको एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको साइन सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था जो साइन ए होता है वो आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों ए के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए के अपोजिट साइड है आपकी है बी सी, बी सी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनियस आपको हो जाएगा ए सी। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो बी सी की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, एंड ए सी आपका बच्चों कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा 7/25 ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम इसके आगे के पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों इसमें जो आपको सेकंड निकालना था वो था आपका कॉस ए। तो बच्चों जो आपको कॉस ए निकालना है, कॉस ए आपको पता है क्या होता है, कॉस ए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है तो एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी आपकी ए बी। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा आपका ए सी ठीक है बच्चों। ए बी की जो आपकी वैल्यू है वो है आपका 24 सेंटीमीटर, एंड जो आपका बच्चों ए सी है वो है आपका 25। तो आपका कॉस ए हो जाएगा 24/25 ठीक है बच्चों। इसके सेकंड टाइप की इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आपको निकालना है साइन सी, साइन सी। तो बच्चों साइन तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। जब बच्चों एंगल सी के अकॉर्डिंग आप बात करोगे, यहाँ पे हमने बोला है एंगल सी, तो एंगल सी की जो अपोजिट साइड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ए बी। तो ए बी आपका बच्चों क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड जो उसकी और एंड आपका हाइपोटेनस तो ए सी ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन सी इक्वल टू 24/25 ठीक है बच्चों। इसके सेकंड की बात करते हैं जो कि आपका कॉस सी। तो बच्चों जब कॉस सी निकालोगे तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों हम सी एंगल की बात कर रहे हैं तो सी की एडजेसेंट साइड आपकी होगी बी सी विच इज़ बेस, एंड हाइपोटेनस होगा आपका ए सी। तो बच्चों आपका ये हो जाएगा बी सी की वैल्यू 7 एंड हाइपोटेनस आपका 25, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। जैसा कि बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। तो बच्चों आपके पास एक फिगर है जिसमें आपका एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, पी क्यू आपका गिवन है बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं, इन ट्राइंगल
पी क्यू आर, जो बच्चों आपके पी क्यू आर में पी क्यू गिवन है इस 12 सेंटीमीटर, जो बच्चों आपका पी आर गिवन है इस 13 सेंटीमीटर, एंड बच्चों जो आपका क्यू आर है वो गिवन नहीं है। एंड बच्चों इसमें जो 90 डिग्री है वो आपका एंगल क्यू पर है, ठीक है। तो पहले हम क्यू आर फाइंड करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर, बिकॉज 90 का अपोजिट जो आपका होगा 13, परपेंडिकुलर आप 12 मान सकते हो, बिकॉज आपको एंगल मेंशन नहीं है तो आप परपेंडिकुलर किसी को मान सकते हो, एंड बेस आपको हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो बच्चों 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, बच्चों इसको लेके जाओगे 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इसको करोगे तो बच्चों 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो बच्चों आपका रूट्स में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 अंडर रूट इक्वल टू क्यू आर। तो बच्चों आपकी जो क्यू आर की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर। ठीक है बच्चों, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक साथ टेन पी और कॉट आर को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअल भी सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं बच्चों, तो बच्चों पहले हम टेन पी फाइंड करते हैं। टेन पी, जैसे कि आपको पता है जो आपका टेन होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों क्योंकि आपको एंगल पी की बात करनी है, दिस इज योर एंगल पी, पी के जो आपके अपोजिट होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपको हो जाएगा क्यू आर अपॉन, और बच्चों जो आपका बेस होगा वो एंगल पी की एडजेसेंट साइड को बोलेंगे, यानी आपका पी क्यू। ओके बच्चों, तो टेन पी आपका हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू आपके बच्चों 5 एंड पी क्यू आपका 12। ठीक है बच्चों, आगे आप फाइंड करेंगे कॉट आर। बच्चों जो कॉट आर होगा, जैसा कि हमको पता है कॉट आपका टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों यहाँ पर आपका जो एंगल है वो है आर, तो आर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर आप आर के अकॉर्डिंग देखते हो तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू एंड आपका बेस हो जाएगा क्यू आर, तो बेस क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू। तो बच्चों कॉट आर अगर आप सॉल्व करोगे तो क्यू पी जो आपका क्यू आर होगा वो होगा आपका 5 एंड जो आपका पी क्यू होगा वो होगा आपका 12। तो बच्चों लास्ट में आपको सॉल्व करना है रिलेशनशिप, तो हम रिलेशन की बात करते हैं। आपको सॉल्व करना है टेन पी माइनस कॉट आर। तो बच्चों टेन पी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है 5/12, माइनस कॉट आर की वैल्यू भी आपकी 5/12। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 0। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे। बच्चों इसको मानते हैं ए, इसको बी, इसको सी एंड बी आपका 90 डिग्री। तो बच्चों एंगल ए के अकॉर्डिंग ठीक है आपको इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो बच्चों साइन ए जो आपका होता है, साइन ए आपका है 3/4 और साइन हमको पता है आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों लेट कर लेते हैं, साइन ए आपका एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसको लेट करते हैं 3k/4k एंड के इज़ रियल नंबर, के आपका कोई भी रियल नंबर है। तो बच्चों अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते हो तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3k, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड होगी वो होगी बी सी, बी सी आपका होगा 3k एंड जो आपका बेस होगा वो होगा ए बी एंड आपका 90 के अपोजिट जो हाइपोटेनस होगा वो होगा आपका ए सी और ए सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4k। तो बच्चों हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है बट बेस हमको नहीं पता। तो बच्चों कभी भी ट्रायंगल में अगर आपको बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन निकालना हो तो हम सॉल्व करेंगे बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको हो जाएगा 4k², परपेंडिकुलर आपको हो जाएगा 3k का स्क्वायर एंड बेस हो जाएगा आपका 20k² ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16k² इक्वल टू 9k² प्लस 20k², इसको इधर ले जाएंगे हम तो 16k² माइनस 9k² इक्वल टू 20k, 7k² इक्वल टू 20k। बच्चों जब अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 7k² इक्वल टू बी एंड ये आपका आएगा अंडर रूट 7 और आप k को लिख देंगे बाहर क्योंकि k² है आपका रूट से कैंसिल हो जाएगा। बच्चों ये आपका आ गया बेस। ठीक है बच्चों तो आपका बेस आया अंडर रूट 7k। ठीक है बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमको क्या निकालना था, आगे हमको फाइंड करना है बच्चों कॉस ए। तो देखिए बच्चों जो आपका कॉस होता है, कॉस ए वो आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि बच्चों हम एंगल ए की ही बात कर रहे हैं तो आपकी ए के एडिशन साइड आपकी हो जाएगी ए बी, तो आपका ए बी और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है बच्चों ए बी की वैल्यू है आपकी रूट 7k एंड आपका जो ए सी है वो है आपका 4k, के से के कैंसिल और आपका आंसर आएगा अंडर रूट 7/4। ठीक है बच्चों ये आपका हो जाएगा कॉस ए। आगे बच्चों सॉल्व करते हैं इसका सेकंड विच इज़ टैन ए। तो बच्चों जब हम टैन ए को सॉल्व करेंगे तो आपका टैन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों तो टैन ए एंगल ए के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं तो आपका परपेंडिकुलर अपोजिट साइड हो जाएगी बी सी एंड आपका बी होगा बेस होगा आपका ए बी। तो बच्चों बी सी की वैल्यू आपका 3k एंड आपका ए बी है अंडर रूट 7k, के से के कैंसिल आपका आंसर आएगा 3/7। ठीक है बच्चों ये आपका होगा टेन ए और ये था आपका क्वेश्चन 3। तो चलिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच इज गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड sec ए। बच्चों 15 cot A आपको 8 दे रखा है और आपको गिवन किया है साइन ए इक्वल टू sec A। ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप एक ट्रायंगल बनाओगे,
ठीक है बच्चों। फिफ्टीन कॉट ए इजकल टू एट, इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए इजकल टू एट अपॉन फिफ्टीन। ठीक है बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका ए, ये आपका बी एंड ये आपका सी। बी आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और हम बात करेंगे एंगल ए के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने के माना था, ठीक है, आप सेम एक के रियल नंबर मान सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कॉट ए इजकल टू क्या होता है आपका, कॉट ए इजकल टू होता है आपका टेन का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों बेस आपका क्या हो जाएगा एट, तो ए के अकॉर्डिंग बेस आपका एट हो जाएगा बच्चों, एंड परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा फिफ्टीन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा फिफ्टीन। अगर आप इसको के मानना चाहते हो तो कॉट ए इजकल टू हो जाएगा आपका एट के अपॉन फिफ्टीन के, दिस इज एट के एंड दिस इज फिफ्टीन के। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर पता है, हमको बेस पता है, हमको हाइपोटेनस नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो हम डायरेक्ट करते हैं, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आपका 15 के का स्क्वायर प्लस आपका 8 के स्क्वायर, 15 का आपका हो जाएगा 225 के स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा आपका 64 के स्क्वायर। इन दोनों का आप सॉल्व करोगे, एच स्क्वायर आपका आएगा 289 के स्क्वायर, एंड आप एच निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 289 के स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करके आएगा आपका 17 के। तो बच्चों जो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17 के। ओके बच्चों, तो आगे हम सॉल्व करते हैं, हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था बच्चों साइन ए। तो साइन ए आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका एंगल ए का अकॉर्डिंग होगा बीसी, एंड हाइपोटेनस होगा आपका एसी। बीसी की वैल्यू आप पुट करोगे 15 के एंड एसी होगा आपका 17 के से के कैंसिल एंड दिस इज योर 15 अपॉन 7। के से के कैंसिल एंड दिस इज योर 15 अपॉन 17। ठीक है बच्चों, आगे हम फाइंड करेंगे। सेक ए, तो बच्चों सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, कॉस आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस बच्चों क्या होगा यहाँ पे ए सी, एंड बेस बच्चों ए के अकॉर्डिंग आपका होगा ए बी। जब आप ए सी की वैल्यू प्लेस करोगे तो 17 के एंड ए बी की वैल्यू प्लेस करोगे तो 8 के से के कैंसिल और आपका आंसर आएगा बच्चों 17 अपॉन 8। और ये आपका क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया है। चलिए बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्या है आपको क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, गिवन sec थीटा इजकल टू 13 अपॉन 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो बच्चों यहाँ पर आपको sec थीटा की वैल्यू गिवन है और आपसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, देखिए बच्चों सॉल्यूशन। आप एक ट्राइंगल बनाएंगे,
दिस इज योर ए बी सी एंड हम इसको मानते हैं एंगल ए को थीटा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन करेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। बच्चों इसको मान लेना लेट सेक थीटा इज इक्वल टू 13k/12k एंड के इज रियल नंबर। ओके बच्चों, तो हमको तो बच्चों सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका 13k/12k। तो हाइपोटेनस बच्चों क्या हो जाएगा आपका 13k एंड बच्चों जो आपका बेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12k। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों 13k का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा बच्चों थीटा के सामने BC का स्क्वायर एंड आपका जो बेस होगा AB स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 169k स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस आपका AB हो जाएगा 12k का स्क्वायर। तो बच्चों इसको इधर लेके आएंगे 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25k स्क्वायर। आप इसको इधर रूट निकालोगे, इधर BC है BC के स्क्वायर को, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो बच्चों माइनस करके आएगा 25k स्क्वायर, BC को इधर BC के ऊपर जो आपका स्क्वायर है हम उसको इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट। तो बच्चों ये आपका आएगा 5k इक्वल टू BC। तो बच्चों आपको यहाँ पे BC की वैल्यू पता चल गई है विच इज 5k। तो बच्चों आपका BC है 5k। तो बच्चों ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं तो हम डायरेक्ट करेंगे। बच्चों साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका 5k, हाइपोटेनस आपका 13k। आपके इसे के कैंसिल करोगे, दिस इज 5/13। बच्चों कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 12k है बच्चों, हाइपोटेनस आपका 13k हो जाएगा, के से के कैंसिल, ये आपका आएगा 12/13। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम निकालेंगे टैन थीटा, टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा थीटा के सामने 5k एंड आपका बेस हो जाएगा AB 12k। तो बच्चों k से k कैंसिल, 5/12। इसके बाद बच्चों कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक थीटा। तो बच्चों कॉसेक थीटा आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो 1/sin थीटा। 1/sin थीटा बच्चों क्या हो जाएगा आपका 13/5। ठीक है बच्चों, एंड आपने को निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, टेन का उल्टा मतलब 12/5। ठीक है बच्चों, ये आपका 12/5, इसको काट के लिख देता हूँ 12/5। ठीक है बच्चों, और ये आपका सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन 5th ख़त्म। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, वरना वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी।